तो आप अगर किया कार लेने का प्लान कर रहे हैं, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स चाहिए, तो आप मेंशन कर सकते हैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर इंस्टाग्राम पर। हेलो एंड वेलकम बैक टू टीम गाइडलाइट गाइज। सो ये है किया सेल्टॉस का HTK+ वेरिएंट, एंड गाइस ये आपको काफी फीचर रिच मिलता है। तो चलिए करते हैं इसका डिटेल वॉक ऑन रिव्यू, साथ में ऑन रोड प्राइस एंड काफी सारी डिटेल में बताने वाले, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को टिल द एंड तक देखें। सो ये है सेल्टॉस का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर HTK+ वेरिएंट, एंड गाइस यहां पे 3 इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी एंड 3 इयर्स की रोड साइड असिस्टेंस मिल जाती है। दोनों का आप एक्सटेंड करवा सकते हैं अप टू 5 इयर्स। एंड सेल्टॉस की एवरेज मंथली सेल है 12,500 यूनिट्स, एंड बाकी राइवल व्हीकल्स की भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। और ये SUV बिल्ट अप है मॉडिफाइड वर्जन ऑफ K2 प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहाँ पे हाई स्ट्रेंथ स्टील स्ट्रक्चर यूज करा गया है, एंड बिल्ड क्वालिटी काफी बेहतरीन आपको मिलती है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है किया के अनंतपुर प्लांट में। सो फ्रेंड यहाँ पे हार्ट बीट LED DRLs अवेलेबल है, साथ में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं विद नॉर्मल हेलोजन बल्ब, फॉलो मी होम लैम्प फंक्शन भी अवेलेबल है। और ये टाइगर नोज फ्रंट ग्रिल किया सिग्नेचर, बहुत ही एक्सीलेंट डिटेलिंग दी गई है। प्रोजेक्टर फॉग लैम्प अवेलेबल है विच आर एक्सट्रीमली एफिशिएंट, साथ में यहाँ पे स्किड प्लेट दी गई है। सो सेल्टॉस एंड राइवल व्हीकल्स का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। सेल्टॉस का बूट स्पेस है 433 लीटर्स, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 50 लीटर्स, ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm, एंड टर्निंग रेडियस 5.3 मीटर्स। ऑल्सो HTK+ मॉडल पेट्रोल में लेते हैं तो फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलेंगी, बट अगर आप डीजल में लेते हैं तो ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको मिल जाती है। एंड यहाँ पे व्हील आर्चेस पे एंड साइड्स पर बॉडी क्लैडिंग अवेलेबल है, वेस्टलाइन मोल्डिंग भी ऑफर करी गई है। एंड दोस्तों ये है 16 इंचेस के हाइपर मेटालिक अलॉय व्हील्स, 205/65 सेक्शन टायर आपको मिलेंगे, 5 स्पोक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। एंड यहाँ पे आपको विंग मिरर्स मिलते हैं ऑटो फोल्डिंग फंक्शन के साथ, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट। ए पिलर ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ, डुअल टोन बिग साइज की रूफ रेल्स अवेलेबल हैं, शार्क फिन एंटेना भी मिलेगा, एंड रिस्पॉन्स सेंसर सिर्फ ड्राइवर साइड आपको मिलता है। वाटर ग्लास भी रियर में दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे वाइपर एंड डिफॉगर, सिल्वर एप्लीक, साथ में नॉर्मल हेलोजन टेल लैम्प मिलेंगे, LED नहीं दिए गए, रिफ्लेक्टर्स एंड लाइसेंस प्लेट की लाइट आपको नॉर्मल हेलोजन में मिलेगी, साथ में रियर में स्किड प्लेट भी अवेलेबल है। सो HTK+ वेरिएंट में आपको 6 कलर ऑप्शन मिलते हैं आउट ऑफ 8, तो यहाँ पे आपको मिलेगा इंटेंस रेड, एरोरा ब्लैक पर यहाँ पे नहीं दिया गया बट ग्लेशियर व्हाइट पर अवेलेबल है, साथ में पंची ऑरेंज, इंटेलिजेंसी ब्लू, ग्रेविटी ग्रे, स्टील सिल्वर, यहाँ पे आपको क्लियर व्हाइट कलर नहीं मिलेगा, तो एरोरा ब्लैक पर्ल एंड क्लियर व्हाइट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। एंड सेल्टॉस का सस्पेंशन आपको स्लाइटली स्टिफ साइड पे मिलता है, और यहाँ पे आपको बिल्कुल भी बाउंसी राइड नहीं मिलेगी, बहुत ही कंपोज्ड एंड प्लांटेड राइड क्वालिटी मिलती है बाउंसी रोड्स पर भी, एंड हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी क्लास अबव दी गई है। एंड अब बात करते हैं गाइस बूट स्पेस के बारे में, तो यहाँ पे हम की से भी टेल गेट को अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रंक ओपनिंग अवेलेबल है, सो जस्ट बटन हम प्रेस करेंगे टेल गेट ओपन हो जाएगा, साथ में क्रैब हैंडल एंड एमरजेंसी एग्जिट। सो सेल्टॉस में आपको टोटल मिलता है 433 लीटर्स ऑफ कार्गो एरिया, एंड यहाँ पे लगेज लैम्प दिया गया है, साथ में कुछ स्टोरेज पॉकेट, इधर भी स्टोरेज पॉकेट मिलेगी, एंड ग्रॉसरी हुक। एंड इसको पुल करते हैं तो स्पेयर टायर विद टूल किट, तो 205/65 R16 स्टील व्हील दिया गया है यहाँ पे, एंड इसको भी अब रिमूव कर देते हैं। सो इस वेरिएंट में आपको रियर पार्सल ट्रिम मिल जाएगी दोस्तों, एंड यहाँ से भी इसको रिमूव कर देते हैं। एंड यहाँ पे बेंच फोल्डिंग सीट्स अवेलेबल है, तो सीट्स को भी फोल्ड कर देते हैं। तो ये है टोटल लगेज एरिया ऑफ किया सेल्टॉस। ऑल्सो HTK+ वेरिएंट में दोस्तों जो आपको सेफ्टी फीचर मिलते हैं वो है डुअल फ्रंट एयर बैग, ABS विद EBD, रियर पार्किंग सेंसर, फॉलो मी होम हेडलैम्प, सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, एमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स अगर आप डीजल लेते हैं तो, साथ में सीट बेल्ट रिमाइंडर, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम, इंजन इमोबिलाइजर, रिवर्स पार्किंग कैमरा विद स्टीयरिंग एडाप्टिव डायनामिक गाइडलाइंस, साथ में प्रोजेक्टर फॉग लैम्प,
रियर डिफॉगर, रियर वाइपर एंड ऑटोमेटिक हेडलैम्प। एंड दोस्तों वैसे तो सेल्टॉस में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन अवेलेबल है विद मैनुअल एंड सीवीटी गियर बॉक्स, 1.5 लीटर डीजल विद मैनुअल एंड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स एंड 1.4 लीटर टर्बो इंजन विद मैनुअल एंड डीसीटी गियर बॉक्स। लेकिन HTK प्लस मॉडल में अवेलेबल है 1.5 लीटर पेट्रोल मैनुअल, 1.5 लीटर डीजल मैनुअल एंड 1.5 लीटर डीजल ऑटोमेटिक। एंड गाइस सेल्टॉस HTK प्लस मॉडल एंड क्रेटा S मॉडल का जो ऑन रोड प्राइस है वो भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, कंप्लीट डिफरेंस। सो क्रेटा एंड सेल्टॉस का जो इंजन स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन है वो भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। फर्स्ट इंजन है 1.5 लीटर फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो जनरेट करता है 114 bhp ऑफ पावर एंड 144 nm ऑफ टॉर्क। HTK प्लस मॉडल में सिर्फ आपको 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा जिसकी माइलेज है 16.8 kmpl। एंड दोस्तों दूसरा है 1.5 लीटर फोर सिलेंडर डीजल इंजन जिसकी पावर है 114 bhp एंड टॉर्क आपको मिलता है 250 nm का। HTK प्लस में आपको 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स दोनों ही मिल जाते हैं। मैनुअल की माइलेज है 20.8 kmpl एंड ऑटोमेटिक की माइलेज है 17.8 kmpl। सो यहाँ पे स्मार्ट कीलेस एंट्री अवेलेबल है एंड किया की 2 स्मार्ट कीज आपको मिलती है विद 3 स्विचेस, लॉक एंड लॉक एंड टेल गेट। एंड इसको भी अब यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। एंड कार को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे क्लच प्रेस करना पड़ेगा देन पुश स्टार्ट बटन। सो सेफ क्लच स्टार्ट भी अवेलेबल है। ऑल ब्लैक कैबिन थीम आपको मिलता है विद सिल्वर एसेंस एंड पियानो ब्लैक फिनिश। फिट एंड फिनिश क्वालिटी यहाँ पे टॉप नॉच दी गई है। ब्लैक कलर की कार्पेटिंग अवेलेबल है। बेज कलर में आपको रूफ मिलेगी एंड ड्यूअल टोन फैब्रिक सीट अपॉल्स्ट्री भी ऑफर करी गई है। ड्राइवर साइड सीट की आप हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं एंड यहाँ से हम फ्यूल लिड ओपन कर सकते हैं। साथ में क्लच फुटरेस्ट अवेलेबल है। एंड गाइस ये है रियोस्टैट यानी कि कैबिन की एल्यूमिनेशन को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। एंड साथ में ये है हेडलैम्प लेवलर, दोनों ही स्विचेस आपको मिलेंगे एल्यूमिनेटेड। एंड ओवरऑल कैबिन काफ़ी स्पेशियस दिया गया है दोस्तों। रियर में क्वार्टर ग्लास भी अवेलेबल है एंड फ्रंट सीट बेल्ट की आप हाइट भी इवन एडजस्ट कर सकते हैं। सो ये है डोर की लुक, सैटिन सिल्वर इनसाइड डोर हैंडल, साथ में ट्विटर स्पीकर बॉटल होल्डर एंड डोर पॉकेट। ORVM आपको मिलती है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल एंड विद ऑटो फोल्डिंग फंक्शन। ऑल 4 पावर विंडोज दी गई है। ड्राइवर साइड स्विच आपको ऑटो अप एंड ऑन मिलता है विद एंटी पिंच एंड सिर्फ ड्राइवर साइड स्विच ही आपको एल्यूमिनेटेड मिलेगा। एंड इसको भी आप क्लोज कर देते हैं। एंड गाइस किया सेल्टॉस की जो एयर कंडीशनिंग है वो सुप्रीमली एफिशिएंट है, बहुत ही इवन फ्लो मिलता है एंड काफ़ी फास्ट फैन भी दिया गया है विद इन सेकेंड्स। ओवरऑल कैबिन भी कूल हो जाता है सेम एज क्रेटा। सो ये है स्टीयरिंग व्हील जो कि काफ़ी स्पोर्टी आपको मिलेगा एंड एडजस्टमेंट अवेलेबल है। सो टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं मिलती, सिर्फ टिल्ट दी गई है। लेफ्ट साइड ब्लूटूथ कॉलिंग कंट्रोल्स, ऑडियो कंट्रोल्स एंड वॉइस कमांड कंट्रोल, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल एंड MID कंट्रोल्स, और ये है हेडलैम्प कंट्रोल एंड दीज आर वाइपर कंट्रोल्स। एंड कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। MID को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। 3.5 इंचेस की MID स्क्रीन मिलेगी जो शो करती है आउटसाइड टेम्परेचर, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू MT, डुअल ट्रिप मीटर, इंजन रनिंग टाइम, साथ में गियर शिफ्ट इंडिकेटर एंड डिजिटल लाइव स्पीड। सो ये है व्हीकल सेटअप। तो यहाँ पे आपको डोर्स की सेटिंग मिल जाती है, तो ऑटो डोर लॉक को आप इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे लाइट्स का सेटअप अवेलेबल है, वन टच इंडिकेटर ऑन एंड ऑफ, साथ में हेडलैम्प डिले जो है फॉलो मी होम लैम्प फंक्शन। यहाँ पे कन्वीनियंस सेटिंग भी मिल जाती है, तो वेलकम मिरर यानी कि ऑटो फोल्डिंग विंग मिरर, इसमें आप वेलकम फंक्शन भी इनेबल कर सकते हैं। तो जैसे ही आप की लेके डोर के पास आएंगे तो ऑटोमेटिकली विंग मिरर्स ओपन हो जाएंगे विदाउट इवन अनलॉकिंग द कार। एंड यहाँ पे आप सर्विस रिमाइंडर को भी इनेबल कर सकते हैं, मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हैं इवन। और यहाँ पे फ्यूल समरी भी आप सेट कर सकते हैं आफ्टर इग्निशन, आफ्टर रीफ्यूलिंग, साथ में यूनिट भी चेंज कर सकते हैं आप फ्यूल इकोनॉमी का भी, टेम्परेचर का भी। तो मल्टीपल गाइस यहाँ पे सेटिंग्स अवेलेबल हैं। एंड यहाँ पे अगर आप हेडलैम्प ऑटो पे करते हैं या फिर पार्किंग लाइट पे करते हैं तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगी विच इज़ क्वाइट कन्वीनियंट। एंड रियर कैमरे का डिस्प्ले आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम पर मिलेगा एंड सेंसर्स का डिस्प्ले MID पर। सो स्टीयरिंग अडैप्टिव गाइडलाइंस अवेलेबल हैं।
सो बेसिकली ये है 8 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद 4 स्पीकर्स एंड 2 फ्रंट वेटर्स. आरकमी साउंड भी अवेलेबल है. एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो को भी ये सपोर्ट करता है. एंड यहाँ पे LED साउंड मूड लाइट्स अवेलेबल है. 8 आपको सिंगल कलर लाइट्स मिलेंगी एंड 6 आपको यहाँ पे थीम लाइट्स मिलती है. ब्राइटनेस भी आप एडजस्ट कर सकते हैं. स्पीकर के पास ही आपको बेसिकली लैम्प मिल जाता है दोस्तों. एंड ये है ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन. एंड इसी के साथ ये सिस्टम सपोर्ट करता है ब्लूटूथ, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, USB एंड रेडियो को. और ये है ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर. तो ड्राइव करते टाइम रियर कैमरा के थ्रू आपको रियर व्यू यहीं पे मिल जाता है. तो आपको इस मिरर में देखने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी. आप डायरेक्टली यहाँ से व्यू देख सकते हैं, विच इज़ क्वाइट ईज. एंड गाइज यहाँ पे मल्टीपल आपको सेटिंग्स मिल जाती है. सो यहाँ पे जनरल सेटअप अवेलेबल है. डेट एंड टाइम आप सेट कर सकते हैं. लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं. स्क्रीन सेवर आप सेट कर सकते हैं. मेमोरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है. तो इंटरनल मेमोरी इतनी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे. बेसिक मेमोरी आपको मिलेगी. एडवांस सेटिंग. एंड गाइज इसकी एक डिटेल वीडियो भी हम अलग से पोस्ट करेंगे जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी विद साउंड चेक. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑल्सो. एंड यहाँ पे सेंटर में आपको स्पीकर की स्पेस मिल जाती है. इसी के साथ ड्राइवर साइड सन वाइजर, यहाँ पे टिकट होल्डर दिया गया है. एंड डे एंड नाइट IRVM मिलेगा. इसी के साथ कैबिन लैम्प विद थिएटर डिमिंग फंक्शन. एंड ये है सनग्लास होल्डर. एंड यहाँ पर वैनिटी मिरर मिल जाता है. सो गाइज STK+ वेरियंट में आपको मैनुअल AC मिलता है विद हीटर. एंड यहाँ पे कुछ स्पेस अवेलेबल है. वायरलेस चार्जिंग आपको इस वेरियंट में नहीं मिलती. साथ में एक USB पोर्ट मिलेगा, एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट एंड USB चार्जर मिलता है जो कि एल्यूमिनेटेड दिया गया है. सेंटर कंसोल पे भी पियानो ब्लैक फिनिश. एंड ये है सेंटर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज स्पेस. साथ में ग्लव बॉक्स भी अवेलेबल है विच इज क्वाइट डिसेंट इन साइज. तो अगर हम यहाँ पे बोनेट को ओपन करते हैं तो प्रॉपर आपको यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा कि बोनेट ओपन है. कोई डोर ओपन होता है या टेलगेट ओपन होता है तो उसका भी आपको रिमाइंडर मिलता है. ऑल 4 डोर्स पे स्कफ प्लेट भी दी गई है. एंड ये है रियर डोर की लुक. यहाँ पे आपको रियर मैनुअल कर्टिन मिलेगा विच इज क्वाइट अ गुड फीचर. यहाँ पे बॉटल होल्डर अवेलेबल है. साथ में स्पीकर्स, पावर विंडो कंट्रोल्स विच आर नॉन एल्यूमिनेटेड. एंड ये है रियर सीट्स की लुक. सो यहाँ पे आपको फिक्स्ड एड्रेस मिलती है. सेंटर में आर्मरेस्ट भी अवेलेबल नहीं है. स्कफ प्लेट आपको यहाँ पे मिल जाएगी. एंड फ्रंट सीट्स के बैक पे पॉकेट नहीं दी गई. ये है रियर AC वेंट्स. एंड यहाँ पे ग्रैब हैंडल. सेंटर में कैबिन लैम्प विद थिएटर डिमिंग फंक्शन. एंड यहाँ पे ग्रैब हैंडल पे कोट हैंगर भी मिलता है. इसको भी हम क्लोज कर लेते हैं. एंड दोस्तों अगर आपको ऐसे ही डिटेल एंड मोस्ट एक्यूरेट वॉक इन रिव्यू चाहिए किसी और व्हीकल का, किसी और वेरिएंट का, तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में. चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें.